दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन यार यूनिवर्स का हिस्सा तो मैं और आप भी है, तो क्या हम लोग भी एक्सपैंड कर रहे हैं? अब आखिर हमें ये कैसे पता चला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? और यार जरा इस बात को सोचो कि जब कोई चीज एक्सपैंड करती है तो वो नए स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो भाई जब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो ये नया स्पेस आखिर आता कहां से है? अब दोस्तों हमारी पृथ्वी, सूरज और मिल्की वे के लेवल पर हमें एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स क्यों नहीं दिखाई देता, और क्या हो अगर एक दिन अचानक से यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुक जाए तो? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए पता करते हैं कि क्या हमारे बीच का स्पेस भी एक्सपैंड कर रहा है। दोस्तों हमारे यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग के साथ होती है। इससे पहले ये एक पॉइंट या सिंगुलैरिटी में समाया हुआ था जिसकी डेंसिटी और टेम्परेचर हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा थी। अब बिग बैंग के सिर्फ 10^-34 सेकेंड्स में ही इसमें बहुत तेजी से एक्सपेंशन होने लगता है और ये 90 टाइम्स अपनी साइज को डबल कर लेता है। मतलब 10^-34 सेकेंड्स में ही ये एक एटम की साइज से एक पिंग पोंग बॉल की साइज का हो जाता है और इसे द रैपिड इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इन्फ्लेशन या यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुक जाता है, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। दोस्तों हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता जाता है और इसका एक्सपेंशन के साथ इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। इससे सभी मैटर कॉन्सेंट्रेट होना शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे स्पेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अब यार ये तो आप सभी जानते ही हो, बट द क्वेश्चन इज कि आखिर हम इंसानों को ये कैसे पता चला कि रात के आसमान में हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं वो हमसे दूर जाते जा रहे हैं? वेल, विकिपीडिया के अनुसार इसका क्रेडिट जाता है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेस्टो मेलविन स्लीफर को, साल 1912 में। दोस्तों स्लीफर ने नोटिस किया कि दूर अंतरिक्ष से आने वाली लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है। अब दोस्तों जरा इस वाले इमेज को देखो, ये है हमारे सूरज का स्पेक्ट्रम जिसे विजिबल लाइट में ऑब्टेन किया गया है। अब इसमें आपको जो ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं उन्हें एब्जॉर्प्शन लाइंस कहते हैं। ये लाइंस किसी भी कलर रीजन के सबसे डार्क और ब्राइट एरिया को शो कर रही है। अब इस दूसरे वाले विजिबल स्पेक्ट्रम को देखो जो हमारे सोलर सिस्टम से दूर स्थित किसी गैलेक्सी सुपर क्लस्टर का है। इसमें हमें ये एब्जॉर्प्शन लाइंस रेड कलर के रीजन की ओर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है कि नहीं? इसे ही रेड शिफ्ट कहा जाता है। दोस्तों रेड शिफ्ट बेसिकली वेवलेंथ का इंक्रीज होना और फ्रीक्वेंसी और फोटोन एनर्जी का डिक्रीज होना होता है। पर आखिर यार हमें ये रेड शिफ्ट क्यों देखने को मिला? वेल, इसका रीजन है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब दोस्तों आपने लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो हमें ये बताता है कि लाइट फोटोन और वेव्स दोनों की तरह ही एक्ट करती है। जब यूनिवर्स एक्सपैंड होता है तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी इंक्रीज होती जाती है और जब लाइट वेव इस डिस्टेंस के बीच ट्रैवल करती है तो यह स्ट्रेच हो जाती है। अब यार यहाँ पे मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान लो कि मैं और आप, हम दोनों एक टाइम मशीन में बैठकर आज से तकरीबन 13.4 बिलियन साल पहले बिग बैंग से महज कुछ हजार सालों के बाद वाले टाइम में पहुंच जाते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वेल, जाहिर सी बात है कि इस वक्त हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा गर्म था, तो हमें एक गर्म प्लाज्मा बॉल जैसा कुछ नजर आएगा जो कि लगातार एक्सपैंड कर रहा होगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये चमकता हुआ प्लाज्मा नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखेगा, अरे अरे भाई वीडियो खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऐसा अंधेरा ही दिखेगा क्योंकि उस टाइम पीरियड में लाइट के पार्टिकल्स हमारे न्यूली बॉर्न यूनिवर्स से बाहर ही नहीं निकल पाते थे, जिसके कारण ये बिल्कुल ही अंधेरा था और ना ही हम इसे सुन सकते थे, यानी कि कोई साउंड वेव भी नहीं था। पर आखिर वो क्या चीज थी जो इस लाइट को बाहर आने नहीं देता था, और कब यूनिवर्स का वो पहला लाइट बाहर निकल सका जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं और जिसको स्टडी करके हम यूनिवर्स के राज को जानना चाहते हैं? वेल, इसका जवाब आपको मिलेगा नील डिग्रेस टाइसन के लिखी बुक एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी में। इस बुक की बुक समरी आप सुन सकते हो कुकू FM ऐप पर, और इसके साथ ही ऐसे और भी 10,000+ ऑडियो शोज की लाइब्रेरी यहाँ पर लगभग सभी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसे सुनकर आप अपने और अपने बच्चों के नॉलेज को बढ़ा सकते हो। अब वैसे तो इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, जो कि एक दिन का केवल 1 रुपया और कुछ पैसा ही होता है, लेकिन मैं यहाँ लाया हूँ आपके लिए फ्लैट 50%
फॉर फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से कूपन ऐप को डाउनलोड करो एंड हमारा कूपन कोड ATV यूज करो एंड आपको 399 की जगह केवल 199 रुपए देने होंगे। सो ग्रैब द डील इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए। साल 1922 में सोवियत फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने भी आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस की मदद से यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में कुछ थियोरेटिकल एविडेंसेस सामने रखे थे। फिर आता है साल 1924, जब स्वीडन के एक एस्ट्रोनॉमर नट लंडमार्क ने एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के थियोरेटिकल नहीं बल्कि कुछ ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस सामने रखे। अब उस समय वैज्ञानिकों को ये तो समझ आ चुका था कि हमसे काफी डिस्टेंस पर मौजूद गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, यानी कि वो रिसीड कर रही है, लेकिन इस रिसेशन का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में बेल्जियम के जॉर्जेस लेमेत्रे, जो रियलिटी में एक चर्च के प्रीस्ट थे, वो थियोरेटिकली प्रूफ कर देते हैं कि इसका रीजन ब्रह्मांड का विस्तार ही है। अब साल 1929 में एडविन हबल लेमेत्रे और लैंडमार्क की स्टडीज का ऑब्जर्वेशनल प्रूफ दुनिया के सामने रखते हैं और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को कंफर्म कर देते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर हबल लेमेत्रे लॉ के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। ये लॉ हमें बताता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का धरती से दूर जाना उनकी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डिस्टेंट गैलेक्सीज धरती से कितनी स्पीड से और दूर जाएगी ये उसकी और धरती के बीच की डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है। मतलब कोई डिस्टेंट गैलेक्सी धरती से जितनी दूरी पर स्थित है वो उतनी ही तेजी से धरती से और दूर होती जाएगी। अब दोस्तों आपने जस्ट अभी ये नोटिस किया होगा कि मैंने बोला डिस्टेंट गैलेक्सी यानी कि दूर मौजूद गैलेक्सीज, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? यार रीजन ये है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हमें लोकल रीजन्स में नहीं बल्कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच ही देखने को मिलता है। मतलब यार सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं और ना ही सूरज के आसपास के स्टार्स दूर भाग रहे हैं। और तो और हमारी नेबरिंग गैलेक्सीज भी वैसी ही है, वो दूर जाने के बजाय उल्टा हमारे पास ही आ रही है। अब यहाँ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का जो भी इफेक्ट है वो हमें गैलेक्सी क्लस्टर के बाहर ही देखने को मिलता है। अब एक एटम के अंदर के पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से बंधे हुए होते हैं। धरती और बाकी के प्लैनेट्स सूरज की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में घूम रहे होते हैं। सिमिलरली हमारा सूरज भी मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है और मिल्की वे जैसी कई गैलेक्सीज हमारे गैलेक्सी क्लस्टर में एक दूसरे के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ऑर्बिट कर रही होती है। अब यार जैसा कि हम जानते हैं हमारे यूनिवर्स में दो फोर्सेस के बीच लगातार वॉर चल रही है और ये दो फोर्सेस है ग्रेविटी और डार्क एनर्जी। अब एक तरफ ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स को पास लाने का काम करती है तो वहीं डार्क एनर्जी इन्हें दूर लेकर जाती है। अब एक गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि डार्क एनर्जी उससे नहीं जीत पाती और इसीलिए गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता, पर इसके बाहर का यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। नहीं समझे? वेल चलो आसान शब्दों में बताता हूँ। अब आसान शब्दों में कहूँ तो ये गैलेक्सी क्लस्टर्स ही एक दूसरे से दूर जा रही है, इनके अंदर का ऑब्जेक्ट्स नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो हमारा यूनिवर्स यहाँ पर एक्सपेंड कर ही रहा है। अब अगर हम यहाँ पर जरा गौर करें तो यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपेंड करता है वैसे वैसे एक नया खाली स्पेस भी बनता जाता है। अब हमारे सामने अगला सवाल ये आता है कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो इसके एक्सपेंशन के लिए ये नया स्पेस आता कहाँ से है? क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर ऑलरेडी इनफाइनाइट स्पेस मौजूद है जहाँ पर हम लगातार एक्सपेंड कर सकते हैं? वेल इसका जवाब ये है कि हाँ, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड तो हो रहा है पर किसी चीज में एक्सपेंड नहीं हो रहा। मतलब हमारे यूनिवर्स की कोई आउटर एज है ही नहीं। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड फाइनाइट है। हाँ, आई नो अभी आप हद से ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है पर ये अनंत भी नहीं है? What? अच्छा चलो आसान शब्दों में बताता हूँ। अब दोस्तों इस चीज को हम एक बलून के एग्जांपल से समझ सकते हैं। दोस्तों मान लो कि एक बलून है जिसके अंदर अभी बिल्कुल भी हवा नहीं है। अब इस पर हम कुछ डॉट्स बना देते हैं जो कि हमारे गैलेक्सी क्लस्टर्स है। अभी जब इस बलून में बिल्कुल भी हवा नहीं है तो ये गैलेक्सी क्लस्टर्स एक दूसरे से बेहद ही करीब है, लेकिन जैसे जैसे इसमें हवा भरती जाती है तो बलून एक्सपैंड करने लगता है और गैलेक्सी क्लस्टर्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब अगर मान लो कि कोई इंसान इस बलून की सरफेस पर चल रहा है तो वो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा और उसके सामने कभी भी कोई एज देखने को नहीं मिलने वाली।
Now obviously बलून स्टार्टिंग में टू डायमेंशनल होते हैं, जो फूलने पर थ्री डायमेंशंस में बदल जाते हैं। लेकिन हमारे स्पेस ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल होते हैं और स्पेस टाइम का कर्व फोर डायमेंशंस का होता है। अब इस पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंशन के साथ एक हायर डायमेंशन की ओर शिफ्ट हो रहा है, पर इस थियोरी का हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी हायर डायमेंशंस को समझ भी नहीं सकती। खैर दोस्तों, अभी मैंने आपको बलून के एग्जांपल से यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझाया, लेकिन रियलिटी में हमारा यूनिवर्स एक बलून के शेप का तो नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बिल्कुल फ्लैट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारा यूनिवर्स फ्लैट है। अब इस वर्ड को सुनकर आप शॉक इसीलिए हुए क्योंकि आप फ्लैट का मतलब एक प्लेन सरफेस समझते हैं, पर वैज्ञानिक एक फ्लैट सरफेस उसे मानते हैं जहां पर दो पैरेलल लाइंस हमेशा ही पैरेलल रहे और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 ही रहे। तो चलो अब एक ऐसा शेप बनाते हैं जो फ्लैट वर्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई भी करता हो और उसकी कोई एज भी ना हो। अब इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्लेन पेपर लेना है और उसकी दो ऑपोजिट एजेस को लेकर उन्हें ज्वाइन कर देना है। अब ये एक सिलेंडर बन चुका है, लेकिन अभी भी इसके दो एजेस हैं। अब आपको इन दोनों एजेस को ज्वाइन करके एक डोनट शेप बना देना है, जिसे टॉरस कहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग इसी नतीजे पर आई है कि हमारा यूनिवर्स एक टॉरस शेप का है, क्योंकि ये फ्लैट वर्ड की दोनों कंडीशंस को बिल्कुल फुलफिल करता है और इसमें कोई भी एजेस देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आप घूम फिर कर भी वापस एक ही जगह पर आ जाओगे, मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन इसे घूमना अंत में इसी टॉरस के अंदर ही है। अब यूनिवर्स के बाहर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है जहां पर खड़े होकर आप हमारे यूनिवर्स को बलून की तरह एक्सपैंड करते हुए देख सको। एटलीस्ट ये बात तब तक तो सची है जब तक हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर मोहर नहीं लगा देते। और भाई, हमारी करंट नॉलेज इससे आगे नहीं जाती, तो फिलहाल के लिए तो यही सच है। अब दोस्तों, आखिर में ये सवाल है कि अगर हमारा यूनिवर्स अचानक से एक्सपैंड करना बंद कर दे तो क्या होगा? वेल दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हम उस यूनिवर्स को देखेंगे जिसे आइंस्टाइन के दिमाग ने इमेजिन किया था। मेरा मतलब है कि यूनिवर्स स्टैटिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टाइन ने अपनी थियरीज स्टैटिक यूनिवर्स को इमेजिन करके ही दी थी, क्योंकि तब तक तो एडविन हबल ने एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को प्रूव ही नहीं किया था। यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह है डार्क एनर्जी, और ये तभी रुक सकता है जब डार्क एनर्जी एक दिन अचानक से काम करना बंद कर दे, या फिर शायद इसकी पावर्स कमजोर पड़ जाए। अब जैसे ही हमारे यूनिवर्स से डार्क एनर्जी का साया दूर होता है, ग्रेविटी सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी और यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब तेजी से आने लगेंगे। अब यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स में बदल जाएगा और गैलेक्सीज कोलाइड होकर मर्ज होने लगेंगी। स्टार्स एक दूसरे से टकराएंगे और उनकी टक्कर से ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और देखते ही देखते यूनिवर्स का सारा मैटर एक साथ एक मैसिव चंक बना लेगा, जो अल्टीमेटली एक ब्लैक होल में बदल जाएगा और उसकी डेंसिटी लगातार कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब ये एक सिंगुलैरिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक वैसा ही जिससे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही ला चुका हूं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर देखना। दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड कुकू एफएम ऐप, यूज करें हमारा कूपन कोड ATV 50% ऑफ के लिए। ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। और हाँ यार, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या यूनिवर्स के एक्सपेंशन को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए या नहीं। अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।